हाई गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है कर्मा के गाने पर, जो कि है फेट। कलमकार चैनल पे आया है, सो देखते हैं ये गाना कैसा होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो साइड में एक बिक्री होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो। अभी इस वीडियो को हम शुरू कर, ओके सो स्टार्ट। बोले नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट, अब बोलते गोप मुझे। नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, अब जब भी मिलते आंखों में दिखता खौफ। देखो नसीब से हम कैसे जीते, कैसे आए हम यहाँ पे बिना जीत के, हमको ताने भी मारे बोला गाने बेकार है, देखो सारे के सारे नीचे का सीट है। मन 3,000 की जॉब से मैं पहुंचा 20,000 की जॉब पे, अब शौक मेरे देख के काफी आतिश कुमार भी चौंकते, जोश एक ही बगार से बहुत थे, अब वो बीच बाजार में रोकते, साले अजीब गवार से लोग हैं, हम अब भी शीश झुका के बोलते, शो पे कुछ 30,000 से लोग थे, पहले सीधे साधे लगते, अब 25 इलाके खोजते, तभी हम फीस बढ़ा के बोलते। या तुझे बस दिखता है बैग जो पीछे टांगा मैंने लाख का, तुझे पता भी है साले में ATM का गार्ड था, आज भी मैं गार्ड हूँ परिवार का और आर्ट का, कलम बैसाखी बनेगी जब होने लगूंगा मैं 60 का, आज भी याद मुझे कि मैं क्या हूँ और क्या था, आज भी कभी किसी की नहीं चाटता। बोले नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट, अब बोलते गोट मुझे। नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, अब जब भी मिलते आंखों में दिखता खौफ मुझे। फैंस का प्यार ही बहुत है, उस पे सवार हूँ ब्रेक नहीं मारा, स्टोरीज में खेलते लौंडे सामने एक नहीं आ रहा, इनके गाने नहीं चल रहे जब तक कलेश नहीं आ रहा, इतना पॉजिटिव हो गया गेम में टेस्ट नहीं आ रहा। कर्मा पे पैसा ही बहुत है, कर्मा तो वैसे ही गोट है, हुरी अभी जय कैसे काम रहूं, काम रहूंगा तो सीधे मौत है। कुछ बंदों की नियत में खोट है, कुछ बंदे वसीयत की चोट है, वो बंदे बाप के पैसों पे चौड़े, हम उनके बाप भी टोटे। तेरे शहर में तेरे जैसे बहुत है, तेरे शहर में मेरे जैसा कोई नहीं, बक्से कमा रहे हक से खा रहे तेरे शहर में, जब आ रहे जिसको अपना ना पता हो ऐसा कोई नहीं। बोले नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट, अब बोलते गोट मुझे। नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, अब जब भी मिलते आंखों में दिखता खौफ मुझे। यहाँ पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा, दुनिया पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा, दुनिया पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा, दुनिया पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा। ओके सो ये गाना बहुत बढ़िया था, जो लिरिक्स उन्होंने लिखे वो बहुत बढ़िया थे, और जो एक लाइफ की चीज़ बताई है उन्होंने कि कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं और अब ये लेवल है उनका, और ये चीज़ बहुत बढ़िया बोली, और इससे हम भी खुद को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी मतलब अभी ऐसे ही एज है हमारी कि अभी हमें स्ट्रगल करना है अपनी लाइफ में। और बहुत अच्छी लाइंस बोली है कि इन्होंने बोला स्टार्टिंग में कि नसीब से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, पर मुझे भी चढ़ा था शौक, मैं पहुंचा बीट पे, मैंने किया डिफीट, और अब मुझे लोग बोलते हैं कि मैं गोट हूँ करके। सो वो चीज़ बहुत बढ़िया बोली, और ये भी बोला कि हम यहाँ तक पहुँचे बिना चीट के, और ये भी कहना चाहा कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो किसी किस्मत बदलने की वजह से नहीं पहुँचे हैं, हमने अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी किया है और इसीलिए हम इस मुकाम में आज पहुँचे हैं, जो कि एकदम करेक्ट लाइन बोली है। लोग बहुत जल्दी से मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि इंसान की किस्मत बदल गई है इसलिए वो यहाँ इस लेवल पे पहुँच गया है ऐसा ऐसा, बट वो ही नहीं देख लोग ये नहीं देखते कि बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है या क्या किया है लाइफ में, कैसे कैसे वो फेस करके आगे बढ़ा है। सो उन्होंने अपनी लाइफ की चीज़ बताई, पहले जो था उनके पास्ट में था, जैसे कि उन्होंने बताया कि हमें लोगों से ताने भी मिलते थे और हमारे गाने सुन के लोग बेकार भी बोलते थे, मैं 3,000 की जॉब से पहुँचा 20,000, और अब शौक मेरा देख के आतिश कुमार भी चौंकते हैं।
ये लाइन मुझे बहुत बढ़िया लगी और बहुत मतलब खुद मैं भी ऐसी चीज़ें फील कर सकती हूँ, क्योंकि होता है बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं और इंसान को लगता है कि ऐसे ही फेम मिल गया है किसी को या कुछ है, तो वो चीज़ें करेक्ट नहीं होती है। हर इंसान ने स्ट्रगल किया होता है अपनी लाइफ में और स्ट्रगल कर करके ही वो इस मुकाम पे पहुंचता है। तो बहुत बढ़िया लाइंस बोली है, हम भी मोटिवेट हो सकते हैं इनके गानों से। और कर्मा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और इनके गाने मैंने पहले भी सुने हुए हैं तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ये वाला ट्रैक तो मतलब ऐसा है कि इससे बहुत लोग कनेक्ट कर सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं खुद को। और सबसे बढ़िया लाइन मुझे एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लाइन लगी कि तुम लोगों को दिखता है मेरा पीछे टंगा हुआ 1 लाख का बैग, पर एक टाइम पे मैं एटीएम का गार्ड था और अभी गार्ड हूँ अपने परिवार और अपने आर्ट का। सो वो लाइन मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ बताई है कि मैं 3,000 की जॉब करके 20,000 पे पहुंचा, उसके बाद अब यहाँ पहुंचा हूँ और मैं एक टाइम पे एटीएम का गार्ड भी था, मैंने वो चीज़ें भी करी हैं और उसके बाद मैंने अपने जो मेरा आर्ट था, मेरी जो जिससे खुश था वो चीज़ मैंने कंटिन्यू रखी थी उसके साथ, और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। और वो चीज़ बहुत बढ़िया बोली उन्होंने। ओवरऑल ये जो गाना था एक बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेट होना चाहिए सबको, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ें कर रहा है और अलग अलग चीज़ें लोगों को पसंद है अपनी लाइफ में और वो करना चाहते हैं बट किसी रीज़न से छोड़ देते हैं या कुछ होता है। तो हमें इन्हें देखना चाहिए और इनको देख के भी सीखना चाहिए कि यार जब ये इन्होंने किया है और इन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, 3,000 की जॉब से 20,000 की जॉब भी करी है और एटीएम में गार्ड भी रह चुके हैं, बट अब देखो अब इनके अंदर कोई ऐसा टेंशन नहीं है, अब इनकी लाइफ एकदम सही चल रही है। तो उस चीज़ को हमें एकदम बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें सोचनी चाहिए कि यार जब इन्होंने ये सब चीज़ें देखी हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। सो अब सबसे बड़ी बात इस गाने से ये सीखने को मिलता है कि हमको जो पसंद है वो चीज़ करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत मैं तो मोटिवेट हुई हूँ इनके गाने सुन के। तो मुझे ये ट्रैक बहुत अच्छा लगा और लिरिक्स काफ़ी अच्छे लगे थे, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा गाना था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट कोई बात नहीं, हमें फिर भी पसंद आया ये ट्रैक और मुझे सजेशन भी आ रहे थे लोगों के कि आप रिएक्ट करो। सो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं बट कोई बात नहीं। सो या मुझे इनका गाना बहुत पसंद आया और कर्मा के काफ़ी सारे गाने हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लिटरली। सो या यही था मेरा रिएक्शन इस गाने पर। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मुझे आगे बताना मैं किस पे रिएक्ट करूँ। कर्मा के कोई अच्छे गाने बताइए जो मैंने अगर नहीं सुने होंगे तो मैं ज़रूर पे रिएक्ट करूँगी। तो अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो फॉलो कर लेना, मन करे तो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।